राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट अब से कुछ देर में विधानसभा में पेश होगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में पहुंच चुकी है। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद है। बजट भाषण से पहले कटारिया पक्ष विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। आज के बजट में लोक लुभावन घोषणाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रहेगा। सूरतगढ़ से खबर जहां एरिया में डोमिनेंस अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने होटल खंगाले पीजी शांति भंग के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 3 बाइक भी सीज की। इस कार्रवाई में डीएसपी प्रतीक मील, सिटी थाना पदाधिकारी दिलीप कुमार, सदर थाना अधिकारी कृष्ण कुमार, एएसआई संपत कुमार, एएसआई माणकलाल के नेतृत्व में गठित टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका में आयोजित हुई रात्रि चौपाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कन्हैया लाल सोनग्रा रात्रि चौपाल में मौजूद रहे। इस मौके पर सभी विभाग के अधिकारी और ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ग्रामीणों ने बिजली व पानी की समस्याओं से अवगत करवाया। सूरतगढ़ से खबर जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर कन्हैया लाल सोनग्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। गगर भाव क्षेत्र में पानी की आवक भारी मात्रा में होने पर संभावित क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। बाढ़ बचाव पूर्व व्यवस्थाओं व तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग, पंचायत समिति, गगर, बाढ़ नियंत्रण, जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा से खबर जहां जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिलों में वर्षा के दौरान आमजन का कोई भी समस्या ना हो इसके लिए अधिकारी अलर्ट मोड पर है। नमित मेहता सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी कक्ष में शनिवार को जिले के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, नगर निकाय के अधिकारी, शिक्षा, चिकित्सा व पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी संबंधित विभाग आपदा के समय कोई जनहानि न हो इसके लिए आवश्यक तैयारियों के साथ पूरी तरह मुस्तैद रहे। सभी विभाग अपनी समन्वय से स्थिति की निगरानी रखे और फील्ड ऑफिसर्स अलर्ट मोड पर रहे। जल भराव को रोकने व शहरी क्षेत्र में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए सभी अधिकारी समय समय पर निरीक्षण के साथ उन्होंने आवश्यक सेवाओं से संबंधित भी आदेश दिए। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,